भी घास होता है वो डाला है, मतलब जो हरी मिर्च भी ऐड की है वो जाए यार बनाती हूँ, तुम बोलते इतना मैं क्या ही बना। हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी स्पेशल रेसिपी, आप अपने घर पे ट्राई जरूर करना। और ये बनती है पोहो की एंड बहुत टेस्टी बनती है, ट्रस्ट मी। आप एक बार खाओगे ना तो आपको बनाने का बहुत ज्यादा मन करेगा, क्योंकि हमारे घर में सब खाते हैं, जब हमको खाने का कुछ एक्स्ट्रा भी मन करता है आई मीन टू से स्पेशल में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इसी बहाने में थोड़ा मन भी लगा रहेगा, क्योंकि आपसे बात करते करते व्लॉग बनाना बड़ा ही मजा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन, कैसी बातें कर रही हूँ, हाँ बट चाहिए आपको, तो आपको कर देते हैं यहाँ खड़ा। मैं लेती थोड़ा सा ऑयल, एंड इसमें ना बहुत कम मतलब तेल डलता है, तो आप एकदम थोड़ा लेना, दिखा दे इसमें कितना लेना है, बस ये भी ज़्यादा ही है, मतलब हो गया गलती से, बट हाँ इतना ही देख सकते हो आप, इतना है, दिख रहा है क्या, इतना है देख सकते हो। तेल में ना धुआं निकलने लग गया, और इसका मतलब मैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एंड इसमें डालने हमें पोहा, पोहा तो आप सब जानते ही हो, एंड इसमें हमको ऐड कर देना है, जितना आप खाओगे उतना ऐड कर देना, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा लग गया, मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, एंड थोड़ा सा मैं तो हो सकता है कोई भी लग रहा है ना, वो तो मैंने कितना तेल डाला था, एंड उस अकॉर्डिंग पोहे की क्वांटिटी देख सकते हो। एंड इसको अच्छे से ऐसे करके मतलब जो भी कहते हैं चलाना है, एंड ये ना फुल फुल से जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हो जाएंगे। सो गाइस देख सकते हो आप, थोड़ा सा ना टेस्ट कलर है पोहे का, कलर कुछ ऐसा सा हो जाएगा, एंड ये पोहे खाने में काफी ज्यादा करारे करारे लगेंगे, उस टाइम आपको इसमें हम साइड कर लो। ये देखो कुछ बता देते, मैं गैस जला रही हूँ, क्योंकि इसको पता नहीं कि गैस जलता है। तो गाइस आपको जितना पहले ऑयल लिया था उससे भी कम अब ऑयल लेना है, बिकॉज लेना है जिसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ फिर से लिटिल बिट, बस 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 बस, क्योंकि आप ज्यादा ऑयल ऐड करोगे ना तो ये ऑयली ऑयली हो जाएगा, और हमें वो नहीं चाहिए। एंड आप इसको गर्म होने के लिए रख दो। एंड इसमें वेजीज क्या क्या डालती है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसके अंदर आपको डालना है, डालते हैं, एंड मैंने यहाँ पे ना स्पाइसी चिलीज एंड अनियन के जो पीछे घास निकले होते हैं वो भी ऐड किए है, जो मोटी मिर्च भी ऐड की है, एंड अनियन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मुझे अनियन काफी ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज्यादा लिए है, दैट्स इट। एंड पहले हमें ये फ्राई करना है आपको पता है, उसके बाद साइड में करना है, उसके बाद वेजीज डालने हैं सारे। एंड तेल हमारा फिर से गर्म हो चुका है, अब मैं ऐड करने जा रही हूं पहले मोटी मिर्च, देन मैंने इसमें ऐड कर दिया है पतली मिर्च और घास, अनियन की छोटी है, ऐड कर देंगे यहाँ पर मटर, बेसिकली सजाया जा रहा है क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो भी निकालनी है, लो ये लो ही लो, स्लो हो गया काम, मटर जो भी है जितना उड़ गया, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा वेजीज डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी डाली है तो आपको इतनी ही डालना है, हम थोड़े मोटे हैं ना तो हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। एंड मैंने यहाँ पर डाला ढेर सारा अनियन, मुझे बनाने अब ये अच्छा आता है, बट मुझे डर लग रहा है मेरा हाथ ना जल, इसलिए मैं दो इन लकड़ियों का यूज कर रही हूँ, आप देख लेना आपको जैसे आपकी मम्मी बनाई बनाएगी जैसे कोई बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग। और ये आपने सोचा कि और ये किसने खरीदा है, मैंने तो प्रमोशन कर रही है, मैंने खरीदा है गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें इसमें ऐड करना है इसमें ना सॉल्ट का ध्यान रखना, क्योंकि सॉल्ट थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो गया ना तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड इतना मैं सॉल्ट ऐड करूंगी बिकॉज मेरी वेजीज ज्यादा है, तो मैं वेजीज के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, आई थिंक इतना बहुत होगा, 3-4 स्पून होगा ना ये, हाँ, और लिटिल बिट टर्मरिक एंड दैट्स इट, आपको और कुछ भी मसाले नहीं डालना क्योंकि मिर्च हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। एंड देन इसको चलाना है आपको, एंड दिखने में अब ये कुछ ऐसा लग रहा है, एंड हम इसको यही छोड़ देंगे, एंड 2 मिनट रुको, हम इसको थोड़ा और सॉर्टेड कर लेते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी नहीं करनी, एडिटिंग के लिए आप ये वाला अंदर ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब रखना नहीं है, बस इसको मिक्स करना है, एंड देन ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। लोग देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है, एंड खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है, थोड़ा हाथ तो ये मेरी मम्मी बनाती है कुछ इस टाइप के, एंड हमें तो बहुत टेस्ट लगता है, हमारी पूरी फैमिली एंजॉय करती है, एंड अब हम जा ही रहे हैं एंजॉय करने, तो यहाँ मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ क्योंकि सारे बिजी है, क्योंकि बाबू रो रही है, एंड मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। यम, बहुत टेस्टी है, मुझे मत दिखा, तो हम जा रहे खा के, एंड खा के आपसे मिलती हूँ।